Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ मयंक उमा शंकर एंड आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। कोरोना वायरस के दौर में आप लोग सब अपने अपने घर में सब सेफ होंगे। तो भाई आज हम आए हैं 18 सेक्टर, अपने भाई के घर आया हूँ भाई। आज की वीडियो बनाएंगे होंडा एविएटर के मॉडिफिकेशन के ऊपर। हाँ तो भाई आज इस होंडा एविएटर की स्कूटी का भाई मालिक हमारे साथ है, आदित्य भाई। हेलो गाइस। हाँ भाई, कैसे हो आदित्य भाई? बढ़िया भाई। तो भाई आज हम तुम्हारी स्कूटी के ऊपर मॉडिफिकेशन की वीडियो बनाने जा रहे हैं, कैसा लग रहा तुम्हें भाई? शुक्रिया भाई, तुम्हारे चैनल पे आ रहे हैं हम। चलो भाई। तो भाई ये कब, कितने दिन हो गए तुम्हें लिए हुए स्कूटी? भाई 3 साल हो चुके हैं इसको लिए हुए। 3 साल भाई, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं आई? देखो भाई, अब पैसा लगाया है तो उसकी तो दिक्कत होगी। तुम्हें मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए। अच्छा भाई, तो भाई क्या क्या काम करवाया इसके अंदर, कुछ आइडिया? हाँ भाई, लाइटें चेंज हुई हैं, नीचे लाइटें लगाई हैं, वही लफंडर वाला लुक आप सभी को पता है भाई। तो चलो भाई देखते हैं भाई क्या क्या लगा हुआ है। और भाई आगे वीडियो में आदित्य भाई बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या सामान लगा और कितने के अंदर हुआ है। हाँ तो आदित्य भाई, सबसे बड़ी पहले एक चीज़ में, कोई वाइट वाइट लग रही है टायर में, क्या चीज़ है बताओ भाई? भाई लेटरिंग है, बाहर से कराई थी मैंने, उसे दी थी स्कूटी कि भाई मेरे को ये काम करके दे। तो कितने में हुआ भाई? भाई 600 रुपये की लेटरिंग है, बाकी तो याद नहीं है मेरे को भाई, 3 साल हो चुके। चलो भाई दिखाते हैं क्या है। हाँ तो भाई ये देख सकते हो तुम भाई, थोड़ा टायर गंदा है भाई। लॉकडाउन के बाद चली नहीं आदित्य भाई? ना भाई यार, चली नहीं है बहुत टाइम से। तो भाई लॉकडाउन के, अगर लॉकडाउन हुआ होगा तो इसमें मुश्किल से 2 दिन चली होगी भाई। देख सकते हो ये कैसे ख़राब हो रही है भाई। जिस बंदे ने ये करके दी थी ना भाई, इतना मतलब सस्ता काम करके दिया था, क्या बताऊँ भाई। मैंने उसे कहा था कि भाई ये लेटरिंग करके दे दिए ये वाली, और ये जो है स्टिकरिंग कर दी, लेकिन बंदे ने करके नहीं। इसी हिसाब से चलते हैं भाई, ये दिख रही है क्या? ये क्या? ये भाई ये है अंडर ग्लोइंग लाइट। कितने की लगी भाई? भाई ये लगी थी मेरी, भाई ये सेट लगा है 4 का। अच्छा, ये नीचे भी लगा है, ये यहाँ नीचे भी लगी है अंडर ग्लोइंग लाइट। अच्छा नीचे ये है ना, ये भी लगी है, लेकिन ये चारों का सेट लगा है भाई 1000 रुपये का। 1000 रुपये का चारों साइड? हाँ भाई। ओके भाई, मतलब कि 250 रुपये पर पीस पड़े आपको? हाँ भाई। भाई जला के दिखा दोगे एक बार? मेरे यहाँ पिल्ले हैं भाई, उन्होंने काट दी। अच्छा भाई, चलो भाई देख इसकी शक्ल दिखा। बढ़ते आगे अबे भाई हट गया, हट इसकी शक्ल दिखा। ये देखो मैंने एक वो इंडिकेटर भी लगवाए हैं, लेकिन मैंने जो लगवाए थे वो भाई थे लोकल। अच्छा भाई। भाई 100-150 रुपये के थे वो, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं अमेजोन से भाई, 500 रुपये का एक पीस है, इतना महंगा है मतलब, लेकिन भाई क्वालिटी वर्दी है भाई। भाई जला के दिखा दो एक बार। एक मिनट भाई, भाई देख सकते हो ग्लो रात में भाई, आपको बहुत अच्छा विजन देंगे रात, और भाई रात को बहुत प्यारे भी लेंगे। और भाई इसी के साथ ये क्या तुमने टेपिंग भी करवाई हुई है? भाई काली है, ख़राब टेपिंग कराई है जहाँ से भी कराई है अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि भाई जिससे कराई थी उसने कहा था कि भाई बबल्स नहीं आएंगे और उखड़ेगी नहीं भाई, 1 साल की गारंटी दी बंदे ने, और ये देखो ये उखड़ने लग गई है अभी से। भाई देख सकते हो ये उखड़ने लग गई है, कितना टाइम हो गया था भाई? भाई 1 साल होने वाला होगा इसको टेपिंग को। तो भाई, तो गाइस 1 साल में आपकी ये बेकार हो जाती है, ख़राब हो सकती है, तो इसलिए भाई जो भी लगाएगा तो देख के लगाए कि भाई 1 साल ही चलेगी है इसी साथ। ओ भाई ये क्या हो रखा है आपके सीट में? भाई कुत्तों ने काट दिया यार। अच्छा, ये भी आपके कुत्तों ने काट दिए? भाई मेरे कुत्ते नहीं है, गली के कुत्तों ने काटी है। हाँ मतलब भाई वही बात है, कोई बात नहीं, मेरा कुत्ता तो भाई नीचे नहीं उतरता भाई। इसी के साथ देख सकते हो भाई ने लगाया एक बैटमैन का स्टिकर, जो कि इतना लोकल है कि उसकी शक्ल ही उतर गई भाई साहब। कोई बात थी भाई, कोई बात थी। अब भाई इसी के साथ साइड प्रोफाइल देख लो स्कूटर का, भाई एकदम डिसेंट है, साइड में इतना कोई काम नहीं कराया हुआ है, बस वो यार टायर की लेटरिंग दूर से देखने में तो सही लग रही है, चलते समय पता नहीं लगती, लेकिन हाँ भाई जब खड़ी होती है तब दिखती है भाई, वाइट वॉल टायर से लग रही है, लेकिन मैंने कराया नहीं कुछ। अब भाई ने पूरी टेपिंग करवा रखी है भाई, पूरा ब्लैक क्यों नहीं करवाया? भाई पूरा ब्लैक मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि भाई मैं हूँ मतलब कि भाई मेरे को पसंद नहीं है, मैं हूँ कि भाई कम लाइट हो। ओके भाई। हाँ भाई ये देखो भाई, लेकिन चीज़ पीछे तो यार ग्लो कम लग रहा है इंडिकेटर का। भाई पीछे वाले इंडिकेटर मैंने चेंज नहीं किए, वही लोकल वाले हैं। अच्छा ओके भाई, भाई देख सकते हो ये लोकल वाले इंडिकेटर है, इसमें ग्लो कम है, और जो आगे वाले इंडिकेटर थे वो चेंज किए भाई ने। और भाई ने एक चीज़ और लगवाई है भाई, दिखाते हैं आपको, ये देखो भाई भाई ने लगाई डिब्बी भाई, जो KTM में लगती है भाई। कितने की लगी थी
भाई ये लगी थी मेरी 650 की डिब्बी। ओके भाई इसमें ज़रा चेंज करके दिखाना और कौन कौन से डिज़ाइन है। भाई इसके अंदर 32 डिज़ाइन होंगे। भाई जैसे भाई बता रहा 32 डिज़ाइन है इसके अंदर और 950 की लगी है आफ्टर मार्केट। भाई आगे से दिखा देते हैं क्या लुक आ रहा है। भाई भाई देखो ये पर पीस 500 रुपये का है। ये दोनों पर पीस जो है 500-500 रुपये के 1000 रुपये के हैं। जो पीछे के हैं वो 200-250 वाले होंगे। भाई जिससे मैंने काम कराया था उसके पास तब अवेलेबल नहीं थे। ओके हाँ भाई भाई के साथ ये देख लो भाई इन्होंने बार एंड लाइट्स भी लगवाई हैं साथ में सही चल रही है। भाई बार एंड्स कितने की लगी। भाई ये लगी 350 की। 350 भाई ब्लू क्यों लगवाया येलो। भाई ऑरेंज जो था अवेलेबल नहीं था बंदे पे। मैंने उसे कहा था कि भाई मेरे को ऑरेंज चाहिए। पहले जो मैंने लगवाई थी उसके अंदर आ गया था पानी और ख़राब हो गई थी वो अंदर से। ओके भाई भाई बटन क्या सेटअप कैसे क्या इसका दिखाइए। भाई इसकी जो लाइटिंग है उस बंदे ने मेरे को कही थी कि एक ही उसके साथ कर लो सॉकेट के साथ। ओके भाई तो भाई मैंने उसे मना कर दिया था कि भाई कि नहीं मैं एक सॉकेट के साथ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को जो है हर कोई चलाता है घर में पापा मम्मी सब चलाते हैं। बंदे ने जुगाड़ कहाँ करवाया भाई देख लो। भाई जगह थी तो मैंने लगा दिया। ये जो है ये वाली जो लाइट है ये इनकी है। ये जो डब्बी लगाई है हमने भाई। उसके पूरा ये इसी काम होती है। भाई ये स्विच किस चीज़ का ये दिख रहा है ये। भाई ये जो है अभी ख़राब है। ये चारों लाइटों का नीचे अंडर ग्लोइंग लाइट है। अच्छा ये नीचे वाली लाइट है ना। ओके भाई ये जो साइड बार लाइट्स हैं ये भी जलती हैं लेकिन वो अभी तार जो है काट रखी है आपको बताया मैंने। ओके अब कुछ नहीं कर सकते ठीक करा के आनी पड़ेंगी। और भाई मेरे ख्याल से आपने सीट कवर भी चेंज करवा रखा है। हाँ भाई ओरिजिनल तो ये देख ही सकते हो ये है ओरिजिनल। भाई देख सकते हो ओरिजिनल ब्राउन में आता है एविएटर का लेकिन भाई ने वाइट लगवाया हुआ है। आज तो भाई एक बार इसका हॉर्न बजा के दिखा दो भाई। भाई हॉर्न एक नंबर है भाई देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। भाई हॉर्न सुनो भाई और भाई देख रहे भाई 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 हॉर्न तगड़ा है कुछ भी कहो। भाई एक बार बजाओ एक बार और बजा दो भाई और भाई देख सकते हो हॉर्न। हाँ भाई भाई हॉर्न कितने का लगा था। भाई हॉर्न महंगा था 850 का था हॉर्न ओरिजिनल है दो हैं। हाँ भाई चलो अब और ही स्टार्ट करते हैं आगे से दिखाते हैं आपको अब। हाँ तो भाई देखो सबसे पहली चीज़ लेटरिंग। ये जो चूना लगा था हमारे को सबसे ख़तरनाक वाला बकवास अब ये लग गया 350 का हुआ था ये भी। और ऊपर आते आते तो ये दिखेंगे आपको इंडिकेटर्स। भाई ये मैंने घर से मंगाए हैं अमेजोन से 500 रुपए के 1000 के। बाकी वो लोकल वाले अभी पीछे हैं वो भी उसके ऊपर अभी हम चलते हैं। बाकी हमने ये टेपिंग कराई है नीचे। ये लेटरिंग अलग है और ये टेपिंग कराई है हमने। ये जो है ना ये ब्लैक एंड वाइट ही आपको दिखेगी नहीं बस ब्लैक दिखेगी लेकिन ये वाइट भी है। हाँ तो भाई ये जो ये टेपिंग है ये 250 रुपए की है। और अब हम ऊपर आते हैं तो हमारे पास ये है जो इंडिकेटर के ऊपर हमने काले कलर की टेपिंग कराई है। भाई मैंने पूरे ब्लैक नहीं कराया क्योंकि मेरे को वो पसंद नहीं है लोग क्योंकि दिखता ही नहीं आगे वाले हो कि भैया है क्या। और इसके वो वैसे भी अच्छे ही लगते हैं इसके लंबे इंडिकेटर हैं। ये जो टेपिंग हुई थी मेरी ये हुई थी अराउंड 300 रुपये की हुई थी ये टेपिंग भी। अब सारी टेपिंग की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ इन इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा पीछे भी जो इंडिकेटर है उनकी भी पूरे उसकी ऑल ओवर की। हाँ तो भाई ये जो आगे वाले और आगे पीछे इंडिकेटर दोनों हैं इन दोनों के इन लोगों ने 600 रुपये लिए थे जिससे मैंने मॉडिफाई कराया था। हाँ तो भाई अब देखो ये इंडिकेटर दिखा दिया ऊपर आते आते आएंगे देखो भाई बार एंड लाइट लगाई है 350 की। भाई ये दो क्वालिटी में आती हैं 250 और 350। भाई 250 वाले मैंने लगाई थी क्योंकि उसके बाद अब वही अवेलेबल थी लेकिन जब मैं दोबारा गया तो 350 वाली अवेलेबल थी मैंने 350 वाली लगाई। 250 वाली में क्या दिक्कत है उसके अंदर पानी भर जाता है वो कहते हैं चलेगी लेकिन चलती नहीं है वो ज़्यादा तो इसलिए मैंने महंगी वाली लगवाई। अब भाई देखो अब आ रहे हैं साइड में तो अब मैं मीटर भी दिखाना चाहूँगा भाई को। भाई जो मीटर है उसके अंदर मैंने अंदर LED लगवाई है इसके अंदर येलो लाइट आती है। भाई ये देखो भाई भाई ये ब्लू लाइट है ये मैंने लगवाई थी पहले 150 रुपये की लगाई थी पहले फूक गई एक हफ्ता भी नहीं चली होगी वो फूक गई। फिर मैं दोबारा लेके गया भाई 250 वाली लगवाई वो भी फूक गई। भाई फिर मैं दोबारा गया तो भाई सबसे महंगी वाली लगवाई जब उसके बाद अवेलेबल थी 350 वाली। हाँ तो भाई जब नीचे आएंगे सीट पे तो भाई आप लोगों ने देख लिया क्या कल्याण किया हुआ है कुत्तों ने हमारे पिल्लों ने जो है। तो भाई ये जो सीट कवर लगा था ये लगा था 350 का जो स्पेशल ऑर्डर पे आया था तो 100 रुपये इसके अलग से लगे थे वो करोल बाग से आया था जो ऑर्डर किया था मैंने। अब भाई नीचे आएंगे तो भाई यहाँ पे जो ये स्टिकर लगाया था भाई ये चला था मतलब चल गया होगा ये 1-1.5 महीना चला होगा अच्छे से चिपका हुआ था लेकिन भाई जब बारिश आती थी इसे धोते रगड़ते थे तो भाई ये ना इसका ये हट जाता था। अब ये जो है ये भी हट रहा है
ये हट रहा है ना, तो ये सही नहीं है। और यहाँ से पीछे आएंगे तो भाई देखो, मैंने यहाँ पे भी इंडिकेटर लगाए हैं, ये लोकल वाले हैं। प्राइस बताइए। ये लोकल वाले हैं, ये 200-250 वाले होंगे शायद, बाकी मेरे को इतना अराउंड याद नहीं क्योंकि बहुत पहले लगाए थे। हाँ तो भाई ये देखो, अब ये जो टेपिंग लगाई है हमने, इसके ऊपर अलग से टेपिंग लगवाई थी 150 रुपये की, क्योंकि ये जो है इसके अच्छी नहीं लग रही थी अलग से चमकती हुई। और ये देखो इसकी ये टेपिंग हट रही है। और अब भाई अगर ऊपर करेंगे तो क्या कर रहा है, तो भाई ये देखो ये जो है, ये यहाँ पे भी स्टिकर था वो तो गंदे शक्ल का होता है, गंदी तो नहीं लेकिन बढ़िया शक्ल थी, वो होता वो भी निकल गया था। तो इसलिए अब मैंने दोनों तरफ लगवाया था, अगर भाई इधर दिखाएंगे मैंने यहाँ पे भी लगाया था बैटमैन का, लेकिन इसकी भी मुंडी ही निकली है, उसकी भी मुंडी ही निकली थी। तो भाई आदित्य भाई ने पूरी अपनी स्कूटर की ओवरव्यू दे चुके हैं भाई, अब चलो वापस से बात करते हैं। तो आदित्य भाई क्या सेटिस्फाइड हो आप काम से? भाई सेटिस्फाइड हैं, एक साल चल गया सारा काम, बहुत हो गया भाई, इससे कोई चलती भी नहीं है, सारा चाइनीज़ माल ही है। कोई अगर इक्का दुक्का होगा तो वो चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलता। अब आपने वो कहावत तो सुनी ही है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। ओके भाई, तो भाई बाइक का स्कूटर कैसा लगा भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी भाई, अब पसंद आई तो एक लाइक तो बनता ही है भाई। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। तो भाई का चैनल तुम्हें याद पता ही है भाई, नीचे सब्सक्राइब कर देना। क्या नाम है भाई? भाई लिमिट ब्रेकर। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई। ओके भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।